बांग्लादेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के बनाए जाने से कुछ दिनों के अंदर ही आपसी मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा दिए जाने और फिर भारत चले जाने के बाद अंतरिम सरकार के कार्यभार संभालने के 8 दिनों के अंदर एक बड़ा फेरबदल हुआ है। साथ ही खबर ये भी है कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। इस दौरान दोनों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बात हुई और साथ ही बांग्लादेश की नई सरकार ने पीएम मोदी को बड़ा आश्वासन भी दिया है। बांग्लादेश के डेली स्टार अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन को देश की अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार के पद से हटा दिया गया है और उनके स्थान पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी को शुक्रवार रात में ही नियुक्त किया गया। जहांगीर सहित 4 नए सलाहकारों ने पद की शपथ ली है। सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संघवाद संस्था यानी कि BSS ने बताया कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 4 मंत्रालयों और राष्ट्रपति कार्यालय में 5 सचिवों को संविदा पर नियुक्त किया है। अब ये कुर्सी किस वजह से गई इस पर भी बात करते हैं। ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत को गृह सलाहकार के पद से हटाने के पीछे उनके बयान को आधार बनाया गया है। उनके बयानों को लेकर छात्र नेताओं ने आपत्ति जताई थी। उनके बयान के बाद BNP और उसके 3 सहयोगी निकायों ने उनके इस्तीफे की मांग भी की थी। सखावत ने 11 अगस्त को सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आपको लगता है कि आप बाजारों पर नियंत्रण कर लेंगे, जबरन वसूली का सहारा लेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और कुछ समय के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेना प्रमुख से अनुरोध किया है कि आपकी टांगे तोड़ दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भाड़ में जाएं। उनके इस बयान की कड़ी आलोचना भी हुई। इस सरकार की सबसे बड़ी कमी ये निकलकर सामने आ रही है कि इसे बने अभी 8 दिन भी नहीं हुए कि 8 दिन के अंदर सरकार में फेरबदल होने लगा है। मुख्य सलाहकार यूनुस के प्रेस विंग के अनुसार अंतरिम सरकार ने 8 सलाहकारों के विभागों का दोबारा बांटा गया है। सखावत को कपड़ा और जूट मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, वहीं जहांगीर आलम को कृषि मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा दिए जाने और फिर भारत चले जाने के बाद अंतरिम सरकार के कार्यभार संभालने के 8 दिनों के भीतर ये फेरबदल किया गया है। अब आपको बता दें कि इस अंतरिम सरकार में 21 सलाहकारों की संख्या है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने शुक्रवार को अपने दल का विस्तार करते हुए 4 सलाहकारों को शामिल किया, जिसमें अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद में सलाहकारों की कुल संख्या अब 21 हो गई है। डेली स्टार समाचार पोर्टल ने कहा, एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के एक नेता ने सखावत की कुछ टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना की, जबकि BNP और उनके 3 सहयोगी संगठनों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं उसको समझ सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खासकर 140 करोड़ देशवासियों की चिंता है कि वहाँ के हिंदू, वहाँ के अल्पसंख्यकों की चिंता सुनिश्चित हो। 17 अगस्त को लेकर खबर ये भी है कि बांग्लादेश में जो वहाँ की अंतरिम सरकार है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच शुक्रवार को फोन पर बात भी हुई थी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की खबरों के बीच दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत थी। भारत के प्रधानमंत्री ने इस बातचीत के बाद एक्स पर लिखा था, मेरे पास मोहम्मद यूनुस का फोन आया। इस दौरान हम दोनों ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए मैंने भारत का समर्थन दोहराया है। उन्होंने यानी कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। हालांकि आपको क्या लगता है, इस आश्वासन के बाद बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार क्या रुक जाएंगे? आपके इस मामले में जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।